हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में फॉर्म कितने फिल हुए हैं, कुल फॉर्म कितने फिल हुए हैं अब तक, मतलब 1 मार्च 2022 तक कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और ओरिजिनल न्यूज़ मिलती है, ना कि यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हम किस बेस पे आपको बताएंगे कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कितने नहीं फिल हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बिना सबूत के कुछ भी, मतलब कुछ भी कंटेंट नहीं मिलता है, सब कुछ सबूत के साथ में मिलता है, ओरिजिनल कंटेंट मिलता है यहाँ पर। तो चलते हैं हम बोर्ड पर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2021-22 की चर्चा कर रहे हैं हम इस जो वीडियो। 16 जनवरी 2022 को मैंने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया था, तो तब रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15000018, इतना रजिस्ट्रेशन नंबर आया था। 16 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 16 जनवरी 2022 को इतना रजिस्ट्रेशन। तो फिर मैंने करीब 1 मार्च 8 पीएम के आसपास मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, 1 मार्च 2022 को 8 पीएम के आसपास मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो तब निकल के आया है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, देख लेना ये कितना है, मतलब 15000 तो कॉमन है, ये कॉमन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, मतलब 1,97,211, 1,97,211 ये भरे गए थे 1 मार्च 2022 तक, मतलब रात के 8 बजे तक इतने फॉर्म फिल हो चुके थे। तो 12 बजे तक साइट चलती थी हमारी, मतलब 12 बजे तक साइट चलनी थी हमारी। तो आप लगा सकते हैं इसमें ओवरऑल 2 लाख फॉर्म यहाँ पे भर चुके थे, मतलब 2 लाख फॉर्म मार सकते हैं, मतलब ओवरऑल आप 2 लाख फॉर्म मांग सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कंपटीशन भी हमारा कितना रहने वाला है। और दोस्तों, जब मैंने 8 बजे रजिस्ट्रेशन किया था तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप देखिए, आगे वीडियो देख लीजिए आप, कितना रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, कितना नहीं। दोस्तों, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन आ चुकी है, और हाँ, आप देख सकते हैं इसमें कि हम कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए, आप इसकी एजुकेशन डाल देते हैं हम, जो भी है सब कुछ, जो जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो अपलोड कर रहे हैं हम इसमें, और उसके बाद में ये अपलोड करने के बाद में हम इसकी पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, अब हमारे स्क्रीन पे इस कैंडिडेट्स का पेमेंट का फेज आ जाएगा, जिससे कि इसकी फीस जमा होगी। तो देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, बाकायदे सबूत के साथ में सब कुछ मिलता है। यहाँ पर हमने इस कैंडिडेट्स की जो है पेमेंट जमा कर दी है, देखिए आपके सामने पेमेंट ही जमा कर रहे हैं हम इसकी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स, और ऐसा नहीं है कि मतलब 2 लाख फॉर्म भरे हैं और दोनों 2 लाख के 2 लाख फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स के जो है फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। तो लगभग आप मान के चलिए कि 2 लाख फॉर्म भरे गए, 2 लाख फॉर्म फिल हुए टोटल, और उसमें से कम 20,000 के आसपास, ज़्यादा नहीं और ना ही कम, 20,000 के आसपास, 20,000 20,000 के आसपास फोन कम से कम रिजेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हो रहे हैं दोस्तों, फ्रेंड रिजेक्ट काफ़ी कैंडिडेट्स के रिजेक्ट हो रही हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए कि हम अपने जो फॉर्म का स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी सबका स्टेटस शो नहीं हो रहा है, कुछ ही कैंडिडेट्स का स्टेटस शो हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इससे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि हमारा जो एक सीट पर कंपटीशन है क्या रहने वाला, क्या नहीं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि टोटल जो है हमारी जो वैकेंसी जो है 2800 के लगभग है, 2800 के लगभग टोटल वैकेंसी है, और फॉर्म आप मान सकते हैं 1,80,000 के आसपास फॉर्म मांग सकते हैं आप, 1,80,000 के आसपास फॉर्म मान सकते हैं आप। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके लगभग आएगा आपका 65 सीट के आसपास आएगा, 65 पॉइंट कुछ करके आएगा, आप लगा सकते हैं कुछ भी ऐसे इस तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हैं करीब 65 या 66 एक सीट के लिए इतने कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, 65 या 66 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों,
इससे आपको पता लग चुका होगा कि हमारा कंपटीशन कितना है, कितना है रहने वाला है, कितना नहीं रहने वाला है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि एक सीट पर इतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, मतलब सेलेक्ट नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, एक सीट पर इतने कैंडिडेट्स यहाँ कंपटीशन में आ रहे हैं। 60 से 65, मतलब 65 से 66 के अंदर कैंडिडेट्स यहाँ पर एक सीट पर कंपटीशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी द्वारा दी गई जानकारी समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई, मैं अपने साइड से कोई बताता हूँ, सब कुछ सबूत के सामने आपके सामने है। मैंने 16 जनवरी को यहाँ पर किया था रजिस्ट्रेशन, तो इतना रजिस्ट्रेशन नंबर आया था। और जब फिर 1 मार्च को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, 8 बज के, मतलब 8 बजे के आसपास किया था, तो तब इतना रजिस्ट्रेशन नंबर आया था हमारा निकल करके। तो आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं, आप देख सकते हैं, और लगभग 20,000 के आसपास फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, तो उसमें से 1,80,000 के आसपास यहाँ पे फॉर्म बचेंगे, 1,80,000 के आसपास। और 2,800 हमारी वैकेंसी है टोटल, टोटल 2,800 वैकेंसी लगभग है, कम है एक दो, वो कुछ थोड़ी बहुत कम है, तो आप देख सकते हैं। और लगभग 65 से या 66 के आसपास एक सीट पे कंपटीशन रहने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप जानकारी समझ पाए या ना समझ पाए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और एकदम करेक्ट डेटा है, इसके आसपास ही आपको 2 लाख या 1,80,000 के आसपास ही फॉर्म टोटल फिल हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।